Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my little juniors. Hope so all of you are fine. Once again, Ramzan Mubarak to all of you. My name is Fozia. I am your maths teacher. In previous lecture, we learned about how to add different numbers and addition with carrying. Before doing any question, let's have a look on previous lecture. Addition. This is the sign of addition and different words use in your question. Add, join, all together, how many. मैंने आपसे कहा था कि आपके जो word problem है addition with addition word problem उसमें ये वाले words use होते हैं. ठीक है students? Today we do copy work. Open your books, page number 28, exercise number 4. मैं आपकी second problem आपको solve करके दिखाती हूँ. Let's start. ये आपकी सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम है. आपने हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है पहले. ठीक है, स्टार्ट. मारिया हैज रुपीज 575, अली हैज रुपीज 125, मोर देन मारिया. मतलब अली के पास जो मनी है वो मारिया की मनी से कितनी ज्यादा है? 125. अब उसने हमें टू पार्ट्स को सॉल्व करने को कहा है. हाउ मच मनी डज अली हैव, मतलब अली के पास कितनी मनी है, और हाउ मच डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब हमारे मारिया और अली के पास दोनों के पास मिला के मनी कितनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. हाउ मच मनी डज अली हैव. ठीक है, पहले हम लिखते हैं मारियाज मनी. मारिया के पास कितनी मनी है? 575 रुपीज. 575. ठीक है, अली हैज मोर. अली के पास कितनी मनी ज्यादा है मारिया से? 125 रुपीज. ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास अली की मनी आ जाएगी ना, तो हम ऐड करते हैं इसे. 5 और 5, मतलब आपको पता है अगर आपको एडिशन मुश्किल लगे तो आप वो स्टिक्स लाइंस ऐसे लगा के ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं. ठीक है, 5 और 5 10, 0 और 1 यहां चला जाएगा आपका टेंस में, कैरी में. ठीक है, 7 और 1 8, और ये 2 कितना हुआ? 10. ठीक है, नेक्स्ट 5 6, और ये 7. अली की मनी कितनी आ गई हमारे पास? 700 रुपीज. ठीक है, अब दूसरा देखें. दूसरा पार्ट था हाउ मच डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब उन दोनों की मनी को टोटल अगर हम करें तो वो कितनी आएगी. देखिए, हमारे पास मारिया की मनी तो थी ना, अली की मनी हमने यहाँ निकाल ली है, ये देखें. तो अब हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल मनी पता चल जाएगी. ये देखें, अली की मनी कितनी आई है? 700. और मारिया की मनी कितनी है? 575 रुपीज. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल मनी का पता चल जाएगा. तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. देखें, 0 और 5, यानी आपके पास कुछ भी नहीं था, और अगर आपको 5 रुपीज मिल गया है तो आपके पास 5 का 5 वैसे ही रहेगा, और 7 भी आपका एज इट इज. अब 7 और 5 को ऐड करें. 7 और 5 देखें, 7 के आगे 5 काउंट करना है. 7 8 9 10 11 12. अब हमारे पास हमें पता चल गया हमारे पास टोटल मनी कितनी है. 1275 रुपीज. ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन का कैसे पता चला कि ये एडिशन का है? आपको पता है ना आपके क्वेश्चन में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते थे? ज्वाइन, एड, ऑल टुगेदर, हाउ मच मनी, हाउ मेनी. तो ये देखा, आपको पता चल गया ना इस क्वेश्चन में एडिशन की प्रॉब्लम. एडिशन हमने सॉल्व किया है. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी. रेहान वेंट टू सुपर मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल फॉर रुपीज 125, मीट फॉर रुपीज 250 एंड फ्रूट फॉर रुपीज 150. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टूगेदर एट द मार्केट. तो आपको क्वेश्चन रीड करने से पता चल गया, उसने पूछा हमें ऑल टूगेदर, मतलब उसने टोटल मनी मार्केट में कितनी स्पेंड की है. वो 3 चीजें बाय करके लाया था. ठीक है, अब देखें, उसने वेजिटेबल कितनी रुपीज की बाय की है? 125
5 और उसने मीट कितने रुपीस का बाय किया 250 और देखें उसने फ्रूट कितने का बाय किया था 150 रुपीस का. अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे नंबर्स को तो हमें पता चल जाएगा ना उसने कितनी मनी मार्केट में स्पेंड की थी. सो स्टूडेंट्स ऐड करें. अब आप देखें ये 5 एज इट इज क्योंकि इसमें कुछ भी एडिशन नहीं हुई. अब ये वाले नंबर्स को ऐड करने हैं 5 + 5 = 10 एंड 2 = 12. 2 यहां आएगा और 1 कहां जाएगा आपका 100 में कैरी जाएगा. अब इन सब नंबर्स को ऐड करें 2, 3, 4, 5 तो हमारा आंसर क्या आया 525. मतलब रेहान ने मार्केट में जो सब चीजें बाय की हैं वो कितने रुपीस की हैं 525 रुपीस की. सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अब आपने अपना कॉपी वर्क कैसे करना है. लेट स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स अब आपने अपना कॉपी वर्क कैसे करना है. सबसे पहले ड्रॉ मार्जिन लाइन्स विद कलर पेंसिल्स. ब्यूटीफुल आपने कलर्स यूज करने हैं और उसके बाद स्टार्ट राइटिंग डेट एंड डे अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न अप्रैल. यहां जो भी आपका डेट होगी कोमा 2020 क्लास वर्क और यहां पे आपका जो भी डे होगा. टॉपिक है आपका एडिशन वर्ड प्रॉब्लम. एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. आपने ए पार्ट लिखना है. जो भी आपके क्वेश्चन है ना उसके आपने फर्स्ट टू वर्ड और लास्ट टू वर्ड लिखने हैं और दरमियान में आपने 6 ऐसे छोटी छोटी लाइंस लगा देनी है. ठीक है. उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद आपने जब भी आपका क्वेश्चन फिनिश होगा आपने इस तरह एक लाइन ड्रा कर देनी है. ठीक है स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. स्टे होम स्टे सेफ.